The Ministry, uh, Ministry of Labour and Employment is implementing the National Career Service or the NCS project by transforming employment exchange processes to career centres. A portal developed with key functionalities associated with the employment exchange processes, including online registration, career counselling, job matching, etc., will also be launched. There are about 982 employment exchanges in India and in the first phase, the government has planned to modernize and transform 100 of these. And here, to a warm reception, the Prime Minister has arrived here at the Plenary Hall. And we hand you over to the dais. करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के दीप्तिमान तेजस्वी नेतृत्व में देश के विकास की सीढ़ी दर सीढ़ी आसमान को छूना चाहती है श्रमिक जैते से श्रम को नमन करते हुए स्वच्छ भारत मेक इन इंडिया डिजिटल इंडिया स्किल इंडिया से आज के इस गौरवशाली दिन को जोड़ते हुए भारत का सर आज सचमुच गर्व से आसमान छू रहा है यहाँ उपस्थित देश की श्रम शक्ति सृजित करने वालों और उससे देश के भविष्य को सजाने वालों को आज हम प्रणाम करते हैं आइए इस सशक्त सुबह और माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत एक बार जोरदार तालियों से करें ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट श्री बंडारू दत्तात्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रकाश पाकर युवाओं वर्कर्स एम्प्लॉयर्स के सुंदर संयोजन से देश के अभूतपूर्व विकास की परिकल्पना को साकार करना चाहते हैं मे आई नाउ इनवाइट ऑनरेबल श्री बंडारू दत्तात्रेय टू काइंडली डिलीवर वेलकम एड्रेस माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन सम्मान शॉल के द्वारा माननीय श्री बंडारू दत्तात्रेय जी के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी ये उपस्थित अन्य मंत्रीगण राज्य सरकारों से आए सम्मानित श्रम मंत्रीगण श्री शंकर अग्रवाल सचिव श्रम एवं रोजगार मंत्रालय उपाध्यक्ष कामगार समूह श्री बैद्यनाथ जी, नियोक्ता समूह श्री आर डी राजन जी और सरकारी समूह कैप्टन अभिमन्यु जी केंद्रीय श्रमिक संघों तथा नियोक्तों संगठनों से आए प्रतिनिधियों केंद्रीय मंत्रालयों विभागों तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों मीडिया से आए दोस्तों देवियों और सज्जनों भारतीय श्रम सम्मेलन के छियालीसवीं सत्र के अवसर पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दिल से स्वागत करना मेरे लिए गर्व की बात है मैं माननीय वित्त मंत्री श्री राज्य जेटली जी और मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी श्री पीयूष गोयल जी और श्री जितेंद्र सिंह जी का भी दिल से स्वागत करता हूँ हमारे तेवरचंद गहलोत जी का भी मैं स्वागत करता हूँ भारतीय श्रम सम्मेलन सही मायने में भारतीय श्रम संसद के रूप में जाना जाता है यह सम्मेलन कामगारों के अधिकारों की रक्षा करने में राष्ट्रीय नीति का फ्रेम तैयार करने में श्रम के महत्व को दर्शाने का सही मंच है कामकाजी वर्ग के कल्याण के लिए देश की श्रम नीति को तैयार करने में इस त्रिपक्षीय मंच का बहुत योगदान रहा है आज भारतीय श्रम सम्मेलन में विचार विमर्श के उद्घाटन पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री की उपस्थिति अपने कामगारों के लिए सदैव भारत सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है इस मंच पर त्रिपक्षीय भागीदारी अपने विचारों में एक रूपता लाने की कोशिश करते हैं और यह मंच पर लक्ष्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मैं इस अवसर पर राज्यों के सम्मानित श्रम मंत्रियों और केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों कामगार एवं नियोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों उद्योग जगत के प्रतिष्ठित मेहमानों प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधिकारियों तथा मीडिया से आए दोस्तों का भी स्वागत करता हूँ मित्रों हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के शक्तिशाली नेतृत्व और प्रगतिशील विजन से भारत का आर्थिक माहौल पूरी तरह बदल रहा है पूरा विश्व भारत में आने वाली बदलाव की हवा को पहचान सकती है मेक इन इंडिया स्किल इंडिया डिजिटल इंडिया स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हमारे पीएम की पैराडाइम शिफ्ट का देने वाली कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो विश्व में भारत को उत्कृष्टता की नई ऊंचाई तक ले जाएंगी हमारा रेगुलेटरी रिजम अब और अधिक पारदर्शी जवाबदेह और स्थिर जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और सुधार लाने की कोशिश की जा रही है जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा है भारतीय श्रम सम्मेलन में छियालीसवीं सत्र की कार्यसूची का एजेंडा व्यापक है और इसमें श्रम से संबंधित अनेक संगत विषय शामिल है टेक्नोलॉजी के आधार पर रोजगार चलाने वाले और रोजगार प्रदान करने वालों को नेशनल कैरियर सर्विस प्लेटफॉर्म पर लेने के माध्यम से भारत में पब्लिक एम्प्लॉयड सर्विस की काया पलट की जा रही है मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ उन्होंने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की इस महत्वपूर्ण पहल का शुभारंभ करने की स्वीकृति दी है रोजगार कार्यालय की पुराना व्यवस्था को इस समेकित व्यवस्था से बदल जाएगा जिससे युवाओं को सही समय पर सही अवसर प्राप्त हो हमारे पास इस पोर्टल पर पहले से ही दो करोड़ नौकरी चाहने वाले पंजीकृत है तथा समिधा पोर्टल द्वारा लेन प्राप्त कर चुके जो नौ लाख से अधिक प्रतिष्ठानों को इस प्लेटफॉर्म पर लाया गया है यह प्लेटफॉर्म कैरियर काउंसिल कैरियर मैचिंग तथा ट्रेनिंग की सुविधाओं की उपलब्धि कराएगी हमें विश्वास है कि भविष्य में एनसीएस हमारे श्रम बाजारों के लिए नियोजन संबंधों सभी मुद्दों के लिए वन शॉप टॉप का कार्य करेगा कानूनों के संशोधन एक सतत प्रक्रिया है जिसकी उत्पत्ति भारत के संविधान में हुई है श्रम सुधार एक सतत प्रक्रिया है तथा मुझे विश्वास है कि त्रिपक्षीय पारमर्शी हमें औद्योगिक शांति एवं सौहार्द की ओर ले जाएगी भारत सरकार ने हाल ही में द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग सिफारिशों के अनुसरण में मौजूदा चौवालीस केंद्रीय श्रम कानूनों को सरल एवं तर्कसंगत करने के वेतन औद्योगिक संबंध सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण एवं सुरक्षा और कार्य वातावरण संबंधी पर चार लेबर कोड बना रहे हैं मेरा मंत्रालय है गहन सामाजिक वार्तालाप करता रहा है हमने पिछले एक वर्ष में अलग अलग विषयों पर लगभग 20 त्रिपक्षीय विचार विमर्श किया है श्रमिक संघों की मांगों को पूरा करने के लिए माननीय श्री अरुण जेटली जी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय इंटरमिनिस्टर कमेटी का गठन किया गया है मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि इस कमेटी की कल हमारे श्रमिक संघ दोस्तों के साथ एक बहुत ही सकारात्मक बैठक हुई है मुझे आपको यह बताते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि हम राज्य सरकारों के साथ सकारात्मक विचार विमर्श कर रहे हैं यह लखनऊ रांची हैदराबाद गुवाहाती तथा अहमदाबाद में हाल ही में आयोजित पांच राज्य श्रम और रोजगार मंत्रियों के सम्मेलन के माध्यम से किया गया ताकि हम गुड गवर्नेंस पर अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकें यह औद्योगिक शांति और सौहार्द के अच्छे माहौल को बनाए रखने और इसे आसान से लागू करने के लिए आवश्यक है यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी कवरेज हमारे माननीय प्रधानमंत्री का एक महत्वाकांक्षी विजन है हम यह सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस लॉ को जलाए रखें और इसे वास्तविकता में बदले हम लगातार अधिक से अधिक कामगारों को अनेक श्रम कानूनों में शामिल कर रहे हैं हाल ही में हमारे मंत्रालय ने एक सौ साठ रुपये की नेशनल फ्लोर लेवल की न्यूनतम मजदूरी की घोषणा की है संगठित क्षेत्र में यूएन की सफलता सबके सामने है चार करोड़ सड़सठ लाख से अधिक कामगारों को यूएन आवंटित किया गया है और वे पीएफ लाभों की पोर्टेबिलिटी का फायदा उठा रहे हैं असंगठित क्षेत्र के कामगारों का कल्याण हमारी प्राथमिकता है जो कि देश के समस्त कार्यबल का तिरानवे प्रतिशत है असंगठित क्षेत्र के कामगारों को यू कार्ड देने का महत्वाकांक्षी कार्य प्रारंभ किया गया है ई द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं से स्वरूप को बदलने के लिए ई में सेकंड जनरेशन सुधार हमारा व्यापक सुधार एजेंडा है जो कि देश में कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए एक सर्वाधिक भरोसेमंद नाम है आज माननीय प्रधानमंत्री जी इस सुधार पैकेज के अंतर्गत तीन महत्वपूर्ण पहलों का शुभारंभ करेंगे सभी भीमित व्यक्तियों का इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड सबसे महत्वपूर्ण है हमारी सेवाएं डिजिटल और ट्वेंटी फोर बाई सेवन उपलब्ध रहेंगी जहां लैब रिपोर्ट सहित मेडिकल रिकॉर्ड्स मरीज के लिए ऑनलाइन पर उपलब्ध होंगे डॉक्टर हेल्पलाइन पर उपलब्ध होंगे प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत इंद्रधनुष अभियान एक ऐसी पहल है जिससे ईएसआईसी एस अस्पतालों में स्वच्छता सुनिश्चित की जाएगी दोस्तों यह सम्मेलन एक ऐसा मंच है जहाँ हम उन सभी प्रमुख श्रम संबंधी मुद्दों और चुनौतियों का समाधान प्राप्त कर सकेंगे जिनका सामना हम सब कर रहे हैं मुझे आशा है कि कार्यसूची की मदों पर एक सार्थक विचार विमर्श होगा मैं महात्मा गांधी के इन शब्दों के साथ अपने बात समाप्त करना चाहूँगा छर का श्रम की गरिमा की पहचान है यह उक्ति राष्ट्र के निर्माण में श्रम की महत्ता पर प्रकाश डालती है हम सब पूरी तरह इस सिद्धांत से प्रेरित है और हैं और बंधे हुए हैं और कार्य जगत में श्रम के गौरव को बनाए रखने के लिए हम भविष्य में भी ऐसा करते रहेंगे धन्यवाद थैंक यू ऑनरेबल श्री बंडारू दत्तात्रेय नेशनल करियर सर्विस इज अ पोर्टल विच प्रोवाइड्स अ नेशन वाइड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर जॉब सीकरस एंड एम्प्लॉयर्स फॉर जॉब मैचिंग इन अ डायनेमिक एफिशियट एंड रिस्पॉन्सिव मैनर जॉब मैचिंग से जुड़ेगा रिश्ता जॉब सीकरस और एम्प्लॉयर्स का हमारा रिश्ता और जिम्मेदारी यहीं ख़त्म नहीं होती बल्कि शुरू होती है हेल्प डेस्क से काउंसिलिंग के द्वारा जो कदम से कदम मिलाकर चलेगी आपके साथ

क्या हुआ अरे आई टी आई पास करके क्या फायदा अब तक काम के लिए चक्कर काट रहा हूँ फैक्ट्री एक्सपांड कर रहा हूँ मगर इतने सारे ट्रेड वर्कर से लाँ? क्या कर रहे हो? क्या हुआ पढ़ाई पूरी कर ली अब कौन सा करियर चुनू किससे पूछूं? अच्छी काउंसलिंग करियर को ऊंचाइयों पर ले जा सकती है मगर कोई सलाह ले तब तो दो महीने से ड्राइवर नहीं आया वैसे तजुर्बे का ड्राइवर कहां से ले आऊं लोग कहते हैं ड्राइवर कभी घर पर नहीं बैठते लेकिन मैं तो महीने भर से घर पे बैठा हूं हर कोई ट्रेन बंदा रखता है अब ट्रेनिंग के लिए कहां जाऊं सही आदमी मिले तभी ट्रेनिंग देने का फायदा है उन्हें भी और मुझे भी एक दूसरे की पूरक जरूरतें मगर दोनों के बीच कितना फासला अब दोनों को जोड़े नेशनल करियर सर्विस प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार द्वारा रोजगार सृजन कौशल विकास और डिजिटलीकरण की दिशा में मेक इन इंडिया स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों की शुरुआत की जा चुकी है और अब इन सबको जोड़े एन यानी नेशनल करियर सर्विस एक महत्वपूर्ण पहल जो राष्ट्र स्तर पर नौकरी खोजने वालों वालों नियोक्ताओं प्रशिक्षण देने तथा करियर सलाहकारों को एक सूत्र में बांधे ये दे तीन हजार से अधिक रोजगार और करियर के विकल्प त्रिपन से अधिक कार्य क्षेत्रों में और खोले अवसरों का नया क्षितिज जहां एनसीएस पोर्टल देगा नौकरी प्रशिक्षण और करियर परामर्श की जानकारियाँ वही करियर केंद्र देंगे युवाओं को प्रशिक्षण सुविधाओं की जानकारी और परामर्श कॉल सेंटर मुहैया कराएंगे एन पोर्टल पर पंजीकरण और अन्य बातों में तकनीकी सहायता विशेषज्ञ सलाहकारों का नेटवर्क देगा करियर चुनाव में मार्गदर्शन तथा प्रशिक्षण की जानकारियाँ इसके अलावा देश भर में फैले कॉमन सर्विस सेंटर पर हर इच्छुक नौकरी सम्बन्धित जानकारी पाने के साथ कर सकता है आवेदन भी एन सी एस छूता है हर जिंदगी मिस्त्री मैकेनिक से लेकर मैनेजर तक और अशिक्षित से लेकर शिक्षित पेशेवर तक और ये इसे बनाता है देश का सबसे बड़ा रोजगार प्लेटफॉर्म एन सी एस जोड़े जरूरत को रोजगार से दक्षता को आजीविका से और योग्यता को अवसर से अब नहीं लगाने पड़ेंगे नौकरी के लिए रोजगार दफ्तर के चक्कर एन पोर्टल आज है दो करोड़ से ज़्यादा जॉब सीकर्स और नौ लाख प्रतिष्ठानों का पसंदीदा एकल मंच ई एस आई सी टू पॉइंट ज़ीरो इज़ अ सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स इनिशिएटिव ऑफ ई एस आई सी आप सभी श्रम से देश को हेल्दी भी बनाते हैं और वेल्दी भी आज हम श्रम की मुट्ठी में भर देंगे उत्तम स्वास्थ्य का सर्वोत्तम खजाना और हाँ अब स्वच्छ भारत की महान सोच इंद्रधनुषी रंगों से रखेगी आपके स्वास्थ्य का खास ख्याल हम माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर निवेदन करते हैं कि कृपया ई एस आई सी टू पॉइंट ज़ीरो का शुभारंभ करें अपने कर कमलों द्वारा रिमोट का बटन दबाकर हम समझते हैं कि जगह के साथ बीमारियों का तबादला भी होता है हम समझते हैं कि अस्पतालों में बिछी चादर भी मरीजों का स्वास्थ्य बयान करती है हम समझते हैं कि इमरजेंसी छोटा या बड़ा देखकर नहीं आती हम समझते हैं कि निशक्त और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सिर्फ सम्मान काफी नहीं हम समझते हैं इसीलिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम ले रहा है स्वस्थ और स्वच्छ भारत की ओर नए कदम ईएसआईसी जिसके अंतर्गत व्याप्त श्रमजीवियों को और उनके आश्रितों को सामाजिक और आर्थिक संरक्षण प्रदान किए गए हैं अपनी इसी सामाजिक जिम्मेदारी के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए ईएसआईसी ने स्वास्थ्य सुधार के क्षेत्र में सेकंड जेनरेशन रिफॉर्म एजेंडा निर्धारित किया है ईएसआईसी 2.0 इसके तहत कई कार्यक्रम निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत कार्यान्वित किए जाएंगे और अब ईएसआईसी 2.0 के अंतर्गत उठेंगे चार नए कदम जिनका शुभारंभ आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है छः महीने पहले मैं दिल्ली में काम करता था अचानक एक दिन सड़क दुर्घटना में मेरे घुटने में चोट आ गई मेरा ऑपरेशन भी हुआ फिर मैं अपने परिवार के साथ पटना शिफ्ट हो गया कल मेरे घुटने में दोबारा दर्द हुआ पुरानी रिपोर्ट्स भी नहीं है और अब कैसे डॉक्टर को समझाऊं? कैसे अपना इलाज करूं समझ में नहीं आता इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड ताकि आप जहां भी जाएं इलाज में बाधा ना आए इसके अंतर्गत बीमित व्यक्ति को अपनी स्वास्थ्य संबंधित ऑनलाइन जानकारी प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी बस अपना पहचान कार्ड नंबर ई पोर्टल पर डालें अब इलाज जब भी या जहां भी हुआ हो सभी हेल्थ रिपोर्ट और डॉक्टर की मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन ऑनलाइन घर बैठे प्राप्त की जा सकती है पिछले महीना मेरी पोती का अस्पताल में जन्म हुआ था और मैं बहुत खुश हुई थी लेकिन अस्पताल का माहौल देखकर मुझे तो अपनी पोती की सेहत की बड़ी चिंता हुई थी अभियान इंद्रधनुष ताकि स्वच्छ और स्वस्थ बने भारत इस अभियान के अंतर्गत अस्पतालों में बेडशीट रोजाना बदली जाएगी इसे सुनिश्चित करने के लिए इंद्रधनुष के रंगों के अनुसार अलग अलग दिनों में अलग अलग रंग की बेडशीट बिछाई जाएंगी। इससे ये सुनिश्चित किया जाएगा कि बेडशीट रोज बदली जाए अब स्वच्छ बनेगा भारत अब स्वस्थ बनेगा भारत एक दिन अचानक रात में मेरी गर्भवती पत्नी के पेट में दर्द उठा हम समझ ही नहीं पाए कहां लेके जाएं किससे मदद मांगे मेडिकल हेल्पलाइन फैसिलिटीज ताकि आपकी छोटी परेशानी बड़ी ना बने इस विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे भारत के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है जिसके माध्यम से बीमित व्यक्ति आपातकालीन स्थिति में फोन द्वारा ईएसआईसी अस्पताल के डॉक्टरों से सहायता तथा सलाह के लिए किसी भी समय कॉल कर सकता है यह सुविधा 7 दिन 24 घंटे सभी क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगी अम्मी को आँखों से पहले ही कम दिखता है ऊपर से दमा ऐसे में घंटों लंबी लाइन में लगकर ओपीडी के डॉक्टर को दिखाना बहुत मुश्किल है डर लगता है कहीं गिर ना जाए स्पेशल ओपीडी सुविधा ताकि निशक्त और बुजुर्ग न रहे अधिकारों ऐसी दूर स्पेशल ओपीडी सुविधा के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों तथा निशक्त व्यक्तियों के लिए फार्मेसी सहित अलग से सायकालीन ओपीडी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी निशक्त हो या वरिष्ठ नागरिक सम्मान के साथ मिलेंगे सबको अधिकार ये चार कदम सुरक्षित भविष्य की ओर ये चार कदम स्वस्थ भारत की ओर ये चार कदम स्वच्छ भारत की ओर ये चार कदम तो बस एक शुरुआत है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा स्वस्थ और स्वच्छ भारत की ओर नए कदम स्वच्छ भारत से स्वस्थ भारत डिजिटल इंडिया से ई हेल्थ और स्किल इंडिया स्किल इंडिया से मेक इन इंडिया तो देखा आपने सभी अभियानों का ताना बाना देश के जन जन से जुड़कर देशवासियों को बना रहा है खुशहाल अब हम वाइस चेयरमैन वर्कर्स ग्रुप श्री बैजनाथ राय प्रेसिडेंट भारतीय मजदूर संघ से आग्रह करते हैं कि कृपया इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपने विचार व्यक्त करें माननीय अध्यक्ष महोदय आदरणीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय वित्त मंत्री जी अन्य मंत्रीगण भाइयों एवं बहनों भारत सरकार के को इस छियालीसवें श्रम सम्मेलन बुलाने के लिए मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ यद्यपि यह सम्मेलन थोड़े विलम्ब से हो रहा है फिर भी इस सम्मेलन ने हमें सुअवसर प्रदान किया है कि श्रमिकों के वर्तमान ज्वलंत समस्याओं पर चर्चा करके कोई ठोस निर्णय निकाला जाए क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मजदूर भारत का एक विशाल अंग है भारत सरकार को मैं इसलिए भी बधाई देना चाहता हूँ कि वह अपने जन्मकाल से अब तक कई प्रशंसनीय कार्य किए हैं उदाहरण के लिए कुछ बात अधिक से अधिक रोजगार सुविधा प्रदान करने हेतु तो कौशल विकास को बढ़ावा देना सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा संख्या प्रदान मुहैया कराना त्रिपैक्षिक त्रिपैक्षिक वार्ता प्रक्रिया को प्रारंभ करना इच्छानुकूल न होते हुए भी पुराने पेंशन व स्वस्थ सुरक्षा की योजनाओं को सुधार कर मजदूर एवं आम जनतों के जनता के लिए मुहैया कराना सफल जनधन योजना अभियान विश्व भर के देशों में भारतीय योग की मान्यता दिलाना स्वच्छ भारत अभियान आदि ऐसे कार्य हैं जो सराहनीय हैं। किंतु इन सब उपलब्धियों के बावजूद भी भारत सरकार ने कुछ ऐसी गलत नीतियां भी अपनाई है जो विशेषकर मजदूर और आम तौर पर साधारण जनता को बुरी तरह प्रभावित करती है बहुत सारे आज की समस्याओं का निदान हो चुका है उसके बावजूद भी विगत तिरालीसवें चौवालीसवें एवं पैंतालीसवें इसी प्रकार के सम्मेलन में जो समाधान हुए उनको आज तक लागू नहीं किया गया श्रम कानूनों में सुधार कर नियोजकों में सुविधा प्रदान करने का प्रचेष्टा करना कुछ कानून जैसे अप्रेंटिस एक्ट में मनमाना संशोधन कर साथ ही राजस्थान सरकार को श्रम विरोधी कारखाना अधिनियम व कुछ अन्य श्रम कानूनों में मनमाना परिवर्तन के लिए स्वीकृति प्रदान करना जिसके कारण महाराष्ट्र मध्य प्रदेश आदि कई राज्य उसी गलत रास्ते पर जाने के लिए तत्पर हो गए भविष्य निधि कर्ज पर टैक्स लगाना एवं अन्य सामाजिक सुरक्षा अधिनियमों में मनमाना परिवर्तन करना कारखाना जांच अधिकारी को हटाकर स्वतः सर्टिफिकेशन के लिए नियोजकों को बढ़ावा देना जो आईएलओ एल ओ सी एट्टी वन के विरुद्ध है और इसीलिए ये चर्चा इस बार के आईएलओ एल में उठा था जिस पर हम लोगों को बताना पड़ा कुल आठ बुनियादी आईएलओ एल में से चार तो लागू हुए लेकिन चार आज तक नहीं लागू हुए सभी केंद्रीय श्रम संगठनों द्वारा दिए गए बारह सूत्री मांग को आज भी निर्णित नहीं किया गया सभी मजदूरों के लिए पंद्रह हज़ार रुपया न्यूनतम वेतन निर्धारित नहीं हुआ उल्टे एक प्रयास हो रहा है कि फ्लोर लेवल करो हम जानते हैं कि भारत में कुछ ऐसे प्रांत हैं त्रिपुरा वगैरह जहाँ केवल पचपन रुपया आज भी न्यूनतम वेतन है वो ऐसे यदि आप फ्लोर लेवल करेंगे तो सबको मौका मिलेगा उसके नीचे जाने का इसलिए इस पर ध्यान देना चाहिए आ, वित्त मंत्रालय द्वारा समय समय पर श्रम कानूनों के प्रावधानों में एक तरफा परिवर्तन करना आदि कुछ ऐसे काम है जो मजदूर जगत में एक कठिनाई पैदा कर रहे हैं हमें स्मरण होगा कि देश आज़ादी के पूर्व वायसराय मंत्रिपरिषद में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर श्रम मंत्री थे और उन्होंने जो काम किया है वो काफ़ी उल्लेखनीय है उस पराधीन भारत में उन्होंने 25 श्रम 25 लेबर ला को इम्प्लीमेंट किया जिससे मजदूरों को बहुत बड़ी सहायता मिल सहायता मिली राहत मिला यही नहीं जिस न्यूनतम वेतन का बात हम आज कर रहे हैं ये उनके द्वारा निर्धारित की गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा और उन्होंने इसी बात को कहा था कि ऐसे बातों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं लेबर इंस्पेक्ट्रेट के बारे में भी उन्होंने ही फिक्स किया था कि जब तक लेबर इंस्पेक्टर नहीं रहेंगे तब तक मजदूर और कारखाना दोनों की उपेक्षा होती रहेगी इसलिए आज के इस शुभ अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से हमें प्रेरणा लेना चाहिए आज समय आ गया है कि हम मजदूर बाहुल्य रोजगार प्रदान करने वाले औद्योगिक इकाइयों लघु उद्योग इकाइयों इन सबों को बढ़ावा दे बढ़ावा दे रहे हैं लेकिन जितनी मात्रा में आवश्यक है उतना नहीं हो पा रहा है साथ ही जो कारखाना श्रम कानूनों को पूर्व रूप से पुरस् लागू नहीं करता या लागू करता है उनको पुरस्कृत करने की आवश्यकता है इसलिए आज के इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि जिस मजदूर बाहुल्य कारखाना लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री में श्रम कानूनों का पालन हो उसको एक पुरस्कार देना चाहिए एक नई इतिहास रचना चाहिए आई के तरह एल लेबर स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ये यदि सर्टिफिकेशन उनको मिलता है तो ऐसे कारखाना जो गलत काम करते हैं वो उन पर रुकावट आ जाएगी एल का इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए जहाँ तक विदेशी पूंजी निवेश का प्रश्न है अब तक हम विगत कई वर्षों से इसके बारे में व्यापक प्रचार व प्रसार देखते आए सुनते आए किंतु दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज तक विदेशी पूंजी हमारे कुल अर्थव्यवस्था में 10 परसेंट तक नहीं पहुंच पाया है क्यों ये सोचने की बात इसलिए इसकी उपयोगिता पर पुनर्विवेचना की आवश्यकता है साथ ही हम यह भी जानते हैं कि कौन सा एफ किस शर्त पर आ रहा इससे आम जनता वाकिफ नहीं लेबर भी वाकिफ नहीं आज घोषित करना चाहिए कि कौन सा एफ किस शर्त पर देश में आ रहा है हम सभी जानते हैं कि अपने देश में सार्वजनिक प्रतिष्ठान पीएसयू पीएससी को ऐसे अविकसित क्षेत्र में अंडर डेवलप रिमोट एरिया में लगाया गया था जहाँ रोजगार मुहैया हो सके जहाँ लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ सके लेकिन आज हम देख रहे हैं कि उसके ऊपर भी नज़र है उसको प्राइवेटाइजेशन करने का प्रयास हो रहा है आज के कुल इकोनॉमी में कुल आय में पब्लिक सेक्टर का अंश चौथा एक चौथाई से अधिक है दो लाख बीस हजार करोड़ हमारी आय देती है पीएसयू पीएससी फिर उस पर क्यों इस प्रकार का विचार करना ये सोचने की बात है जो घाटे वाली बात होती है कि घाटा है घाटा है कुछ उसका भी केवल मुख्य को ले ले तो पंद्रह हजार करोड़ से अधिक घाटा नहीं इस नाते इस विषय पर ठीक ढंग से विचार होना चाहिए आज के इस अवसर पर हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि श्रमिक संगठन औद्योगिक विकास के विरोधी नहीं हम भी चाहते हैं कि देश में तत्परता से औद्योगिक विकास हो हम यह भी चाहते हैं कि द्रुत गति से विकास हो किंतु तो हम यह कभी नहीं चाहेंगे कि विकास के नाम पर मजदूरों का या आम जनता का शोषण हो इसलिए इसमें सावधानियाँ बरतने की आवश्यकता है वर्तमान जनगणना के अनुसार कुल आबादी का तिहत्तर परसेंट सेवेंटी थ्री परसेंट लोग आज भी गांव में रहते हैं और वो बात सही है कि आज ये तर्क दिया जा रहा है कि हमारा ग्रामीण आय जो है वो सकल घेर बने जी में केवल तेरह दशमलव सात परसेंट है लेकिन एक तरफ ये बात है कि केवल तेरह दशमलव सात परसेंट है दूसरी तरफ आबादी का बड़ा भाग वहाँ बटा हुआ है इसलिए ग्रामीण विकास औद्योगिक विकास इन दोनों पर विचार करना होगा किसको प्रायोरिटी दे आज भी आवश्यकता है कि ग्रामीण विकास को प्रायोरिटी अधिक दे वहाँ अधिक से अधिक उद्योग बनाए एम एस ईस एम एस एम ई आपने गठन किया है लेकिन उसमें क्या हुआ है? एक आदमी कुछ उद्यमी बनता है एक लड़का अभी दिखा रहे थे आप पास करता है काम सीख लिया कोई रोजगार किया उसका प्रोडक्ट बिक्री नहीं हुआ कहाँ जाएगा क्या सरकार प्रोडक्ट के लिए सहयोग देने की बात सोच सकती है तब तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे अन्यथा उद्योग करेंगे और डर के मारे फिर भागेंगे इसलिए ये बात पर ठीक ढंग से विचार करना चाहिए मजदूर क्या चाहता है साहब तीन चीज़ केवल चाहता है एक रोजगार गारंटी दूसरा सोशल सिक्योरिटी और तीसरा वेतन का गारंटी आज वेतन का हस्यास्पद अवस्था है प्राइवेट सेक्टर में चार हजार पाँच हजार तीन हजार ये वेतन पब्लिक सेक्टर में सरकारी कर्मचारियों में पचास हजार के लगभग वेतन है जो इंटरप्रीनर है बड़े बड़े उद्योगपति उनका करोड़ों का रोज का इनकम है कहाँ जाएगा ये डिस्पैरिटी ऑफ इनकम इस पर विचार करना चाहिए इसलिए कुछ बात हम दे रहे हैं आपके सुझाव के लिए पहला कि तिरालीसवाँ चौवालीसवाँ पैंतालीसवें भारतीय समय के निर्णयों को अभिलंब अनुपालन किया जाए क्योंकि इसमें ही अन्य बातों के अतिरिक्त न्यूनतम वेतन सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा बिना सिलिंग का बोनस का ऑलरेडी प्रावधान है आप क्या कानून बनाएंगे वहां तो बना हुआ है सर केंद्रीय श्रम संगठनों में को के बारह सूत्री मांग पत्र को स्वीकार करना चाहिए प्रस्तावित श्रम संहिताओं को तब तक रोक रोक लगना चाहिए जब तक ये तिरालीस चौवालीस पैंतालीस सम्मेलन में उन सभी बातों का एक निर्णय नहीं आ जाता है हम मांगते हैं कि लेबर लॉ इम्प्लीमेंट हो और आप बोलते हैं कि लेबर लॉ रिफॉर्म हो चलो दोनों करो लेकिन एक बात इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा तो रिफॉर्म कहाँ से होगा आज आवश्यकता है ठीक ढंग से अनुपालन का आपने जितनी नीति बनाई है सब स्वागत ही हो गए हम स्वागत करते हैं उसका लेकिन इम्प्लीमेंट कितना हो रहा है यह देखना हो। दो इम्प्लीमेंट हुआ है जन जनधन योजना का कई चीज में आपने बड़ा हिस्टोरिकल स्टेप लिया है और बंद नहीं वो लेकिन कई चीज आपके जो बनाए हुए हैं वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है बैंक नहीं सुनता है फॉर्म नहीं मिलता है दी जा दी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी इस पर विचार करना होगा सूक्ष्म एवं लघु उद्योग माध्यम उद्योग पर उचित नीति बनाने की आवश्यकता है सभी सभी योजना और इनमें ऐसे प्रोडक्ट और क्योंकि रोजगार अधिक देते हैं मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में एक इंजन का काम कर सके इस प्रकार से इसको बढ़ावा देना चाहिए सभी योजना कर्मी आंगनबाड़ी कर्मी और आजकल डोमेस्टिक वर्कर की बात आ गई आयलो ने भी उसके ऊपर निर्णय ले लिया इन सभी योजना कर्मियों के ऊपर जो विभिन्न प्रकार के सरकारी काम करते ये लोग जो बात आती है कि ये सब तो आ, एक स्कीम के अंदर है इट इज नॉट द फैक्ट स्कीम के अंदर होते हुए सरकार का आधा से अधिक काम वो करते ग्रॉस रूट पर इसलिए इन लोगों के बारे में ठीक ढंग से विचार होना चाहिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी ने इस पर विचार करके घोषणाएं की थी मैं आशा करता हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो एक इतिहास कायम कर रहे हैं इस दिशा में भी कुछ निर्णय देंगे <coughs> केंद्र सरकार एवं एक तरफा अप्रेंटिस एक्ट एवं अन्य कानूनों में सुधार तथा राजस्थान सरकार द्वारा कारखाना अधिनियम को मनमाने ढंग से सुधार की जो प्रतिष्ठा हुई है उसको वापस लेना चाहिए सबको पंद्रह हजार रुपया प्रतिमाह न्यूनतम वेतन वेतन मिलना चाहिए कंस्ट्रक्शन वर्कर निर्माण कर्मी आज दो उसमें कहानी एक तरफ कहानी है कि फंड उसमें हमारे पास फंड सरकार का रखा हुआ खर्चा नहीं होता है और दूसरे तरफ कहानी कि उनको आज तक सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती हमारे कई लोग बरसों से चिल्ला रहे लेकिन आज तक वो पी के मेंबर नहीं व्हाट इज दिस जरा देखना चाहिए इसको इंश्योरेंस कर्मचारी का वेतन समझौता अविलंब करना चाहिए निजी क्षेत्र और सबसे नेगलेक्टेड सर आज बात है वो निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर इसके बार पहले कल्पना थी वेज बोर्ड बनता था उसके ऊपर सारी चीज आती थी आज तो इनके लिए कुछ भी नहीं नेगोशिएशन भी नहीं हो पाता इंप्लीमेंट भी नहीं होता इसलिए इसके ऊपर कुछ विचार करना चाहिए श्रमिक बैंक वर्कर्स बैंक की मांग हम बहुत दिन से कर रहे हैं हम चाहते हैं कि एक ऐसा बैंक हो जहां वर्कर अपनी सारी सुविधाओं को ले सके दे सके मकान बनाने से ले लोन लेने से ले सब प्रकार के काम को उस बैंक से कर सके श्रमिकीकरण लिबराइजेशन बहुत दिन से हमारा ये मांग है कि आप यदि कंपटीशन लाना चाहते हैं तो एक तरफ सरकारी उद्योग है कई प्रकार के उद्योग है उसमें से एक उद्योग की रचना जो मजदूर चलाए आप मजदूर को जिम्मेदारी दीजिए आप बोलते हैं कि प्रतिष्ठान फेल करता हो सकता है प्रोडक्ट के नाते मार्केट के नाते फेल करता है लेकिन हम दावे के साथ कहना चाहते हैं कि मजदूरों को यदि मालिकाना पूरा थोड़ा नहीं हिस्सा मिले तो इस देश का मजदूर भी कारखाना चला के दिखा सकता है होम बेस्ड वर्कर वर्कर के लिए, वर्कर के लिए, लिए तो डोमेस्टिक मैंने पहले ही बताया आपको इन्हीं चंद बातों के साथ मुझे विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हर जगह नित्य नए सोच और विचार के साथ आम जनता के सामने आ रहे हैं तो श्रमिक जगत में भी आज कुछ ऐसी घोषणाएं करेंगे जो उल्लेखनीय नहीं आदरणीय नहीं बल्कि ऐतिहासिक बनेगा इस विश्वास के साथ मैं अपना वास्तव समाप्त करता हूं। धन्यवाद भारत माता की जय धन्यवाद अब हमारा निवेदन है वाइस चेयरमैन एम्प्लॉयर्स ग्रुप श्री आरजी राजन चेयरमैन स्कोप सीएमडी राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर से की कृपया आपने उद्गार व्यक्त करें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस श्री अरुण जेटली जी Honourable Minister for Labour and Employment, Shri other Honourable Union Ministers, Honourable Labour Ministers of State Governments, Labour Secretary Agarwalji, Distinguished Representatives of the Trade Unions, Vice Chairman Government Group, Shri Ji, Captain Murugiji. Workers Group Representative, Shri B.N. Raiji, the distinguished the Trade Unions, employers, central and state government officials and invitees, ladies and gentlemen, it is indeed a privilege to speak before this August gathering on behalf of the Indian employers, putting forth the industry's perspective on vital issues touching upon labor, employment, and social policies, which are critical to the economic and social development of the country. we thank the union labour ministry for organising the conference and believe that the address of the honourable prime minister would set the tone for a healthy and progressive debate to harness the potential of social partners to the greater cause of nation building. sir, tripartism has been a glorious feature of this country. the majority of leadership of social partners was evident during the peaceful and smooth transition of the economy. The issues which are, which are before us today are challenging, but I'm sure your dynamic leadership and pragmatism will guide the country to a dawn of new hopes, prosperity, and peace. Today, we are debating on labour policy reforms which are due for a long time. As the context in which they were framed has changed drastically, the laws framed mainly to the manufacturing sector, but do not address the problems of the service sector, which today accounts for 57% of our GDP. The outdated and rigid labour laws protects a handful of, say, six to seven percent of the workforce, seriously hampering employment generation capacity of the organised sector this forces the 10 to 12 million youth joining labor force every year to join the unorganized sector where the working conditions need vast improvement and the earnings are also very low. multiplicity of labor laws, 44 central and 100 state laws present operational problems in implementation and companies that need to and compliances that need to be looked into. besides using different technologies like Employee, workman, and worker to denote a worker, or wages, basic wages, salary, referring to the compensation, also creates confusion sometimes. This has made labour legislation cumbersome and complex. We therefore appreciate the ongoing efforts to review and rationalise policies following a government's commitment of maximum governance with minimum government transparency. And accountability. We compliment your government for initiating necessary changes in processes such as the Shram Sividha Portal, launched a few days back, simplifying and cutting down cumbersome and time consuming paperwork and filing of multiple returns involved in eight central laws. It will provide substantial relief to the MSMEs who, due to research crunch, can't hire skilled staff and are also subjected to the High handedness of the inspectorate. We also compliment the government for launching today the National Career Service Portal. We welcome the three new draft bills uh, the Small Factories Bill 2014, the Labor Code on Wages Bill 2015, and the Labor Code on Industrial Relations Bill 2015. With some modifications, these legislations will benefit the small entrepreneurs. We suggest that a minimum threshold limit. For factory is necessary to save the small cottage industries. Sir, the employers believe in the full and the universal social security, which you feel is a fundamental right. Industry is already contributing more than one-fifth of employees' wages towards social security. We welcome discussion on social security for the unorganized sector. We are not averse to paying higher wages or social security or higher bonus.

परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अरुण जेटली जी वित्त मंत्री भारत सरकार माननीय श्री बंडारू दत्तात्रेय जी श्रम एवं रोजगार मंत्री स्वतंत्र प्रभार केंद्रीय मंत्रिमंडल के माननीय सदस्य विभिन्न राज्यों से आए हुए मेरे साथी श्रम मंत्रीगण श्रम सचिव भारत सरकार तथा केंद्रीय मंत्रालयों एवं राज्यों के उपस्थित वरिष्ठ अधिकारीगण वह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संस्थान के अधिकारियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ श्रमिक पक्ष से उपाध्यक्ष श्री बैजनाथ राय और उपस्थित श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि तथा औद्योगिक नियोजक पक्ष से उपाध्यक्ष डॉक्टर राजन जी और उद्योग के उपस्थित प्रतिनिधि में आप सबका भारतीय श्रम सम्मेलन के छियालीसवें सत्र के अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूँ मैं अपने प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ उन्होंने देश की प्रगति को एक नई दिशा दी है सम्मेलन के लिए विचारणीय विषयों की सूची में अंत्य अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर चर्चा करके निर्णय लिए जाने हैं और यही आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए लक्ष्य मेक इन इंडिया स्किल इंडिया डिजिटल इंडिया और असंगठित श्रमिकों के कल्याण के लिए सफलता की कड़ी होगी अब से पूर्व की कार्यशैली और धीमी गति के प्रयास का वर्णन न करके हमें अब क्या करना है जिससे पीछे की कमियां पूरी हो और आगे प्रगति हो इस पर ध्यान देना आवश्यक है हमें पूर्ण विश्वास है कि इस दिशा में प्रयास करने से हमारे मानव संसाधन का विकास होगा और उनको परिश्रम का पूरा लाभ मिलेगा तथा औद्योगिक प्रगति सुनिश्चित होगी त्रिपक्षीय सम्मेलन के माध्यम से हम अपने महान राष्ट्र की प्रगति के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए इस सभा में सर्वसम्मति बनाकर आगामी प्रयास की भूमिका बनाएंगे और इस पथ पर सफलता का हमारा पूरा विश्वास है इक्कीसवीं शताब्दी को इतिहास में भारत की शताब्दी कहलाने का प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र संकल्प पूरा करने के लिए आवश्यक है कि देश की उद्यम शक्ति श्रम शक्ति और सरकार मिलजुल कर इस दिशा में कार्य करें। परस्पर समन्वय सहयोग के लिए आवश्यक है परस्पर विश्वास व एक दूसरे के हितों का सम्मान करते हुए स्वहित को व्यापक राष्ट्र के सामूहिक हित में साथ जोड़कर चला जाए अतः ये दौर है ये समय है समय की पुकार है कि वर्ग संघर्ष के स्थान पर वर्ग समन्वय के दौर को प्रारंभ करने का आज आवश्यकता है भारत की नई पीढ़ी भारत की युवा पीढ़ी इस ऐतिहासिक अवसर को गंवाना कतई गवारा नहीं कर सकती उद्यम के बिना रोजगार नहीं होगा श्रमिक योगदान के अभाव में उद्यम सफल नहीं हो सकता दोनों के समन्वय व सहयोग के बिना राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता इस सम्मेलन में दो नए अधिनियमों का प्रस्ताव रखा गया है जो कि अत्यंत आवश्यक है एक अधिनियम छोटे उद्योग चलाने के लिए सुविधा और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रस्तावित है दूसरा अधिनियम श्रमिक के सबसे अहम अधिकार अर्थात वेतन व बोनस से संबंधित है प्रस्तावित संशोधनों में इसके सरलीकरण का लक्ष्य है और श्रमिक वर्ग को लाभ देने की मंशा है यह सम्मेलन एक अवसर है जिसमें सभी पक्ष एक दूसरे के मत का ध्यान रखते हुए आपसी सद्भाव से उद्योग और देश की प्रगति के बारे में सोचेंगे तो श्रम अधिनियमों में सुधार हेतु सहमति बन जाएगी इस सहमति से अन्य श्रम अधिनियमों के सरलीकरण और समन्वय के लिए रास्ता बनेगा व श्रमिक हितों की रक्षा हो सकेगी उद्यम सफल होता है तो रोजगार की संभावनाएं बढ़ती हैं देश के श्रमिकों की भलाई सुनिश्चित होती है उद्योग पक्ष को लाभ में श्रमिक हित का ध्यान देना होगा ताकि सब मिलकर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं कॉस्ट कॉम्पिटेटिवनेस को बढ़ा करके देश को आगे औद्योगिक और आर्थिक क्रांति में देश को आगे लेकर जाने में प्रयास करें भारत में बनने वाले सामान को मिलकर दुनिया में प्रतिस्पर्धाजनक बनाएं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाया जाए यही भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाने का मार्ग होगा हमारे समाज के सबसे बड़े अर्थात असंगठित क्षेत्र के आर्थिक योगदान इतना है कि उसका आकलन करना कठिन है इस वर्ग के श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा के लिए कानून बने कई वर्ष हो गए किंतु इसकी परिपालना अब जोर शोर से करने का प्रयास आरंभ हुआ है हम इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं इस विषय पर हमारी अपेक्षा है कि हमें वे मार्गदर्शन दें जिससे इस वर्ग के कल्याण के लिए सार्थक कदम उठाने के प्रयास किए जा सकें इन विषयों के साथ सभी श्रम अधिनियमों की कार्य प्रणाली व क्रियान्वयन में पारदर्शिता व जवाबदेही लाना सफलता का एक अहम सूत्र होगा यह अवसर है कि सभी पक्ष इस सम्मेलन में योगदान दें और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए हर विषय में पारदर्शिता लाने की प्रणाली लागू करने के लिए प्रयास करें इससे श्रम अधिनियमों की परिपालना की समस्या समाप्त हो सकती है आज कंप्यूटर और इंटरनेट के युग में पारदर्शिता से कानून की परिपालना सुनिश्चित करना संभव है इस बात से आप सब सहमत होंगे डिजिटल इंडिया की क्रांति के माध्यम से देश में श्रम शक्ति का पूरा रिकॉर्ड बनाकर रोजगार सृजन और स्किल डेवलपमेंट से बेहतर रोजगार अवसर से श्रमिकों को लाभ पहुंचाया जा सकता है परम आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आदरणीय श्री अरुण जेटली जी माननीय श्रम मंत्री जी का पुनः धन्यवाद करते हुए यह आह्वान करता हूँ आइए इस दो दिवसीय सम्मेलन के माध्यम से केवल देश ही नहीं विश्व में संदेश देने का प्रयास करें कि भारतवर्ष का उद्योग जगत श्रमिक वर्ग अब स्किल इंडिया के माध्यम से मेक इन इंडिया को सफल बनाकर फिर से एक आर्थिक महाशक्ति का का रूप लेकर सोने की चिड़िया कहलाने गौरव प्राप्त करेगा जय हिंद। धन्यवाद माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली माननीय प्रधानमंत्री जी की अद्वितीय दिव्य दूरदृष्टि को समझते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था को नए कीर्तिमानों तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्प है और इसीलिए इस महायज्ञ में श्रम शक्ति के मजबूत इरादों को जोड़ना चाहते हैं आई नाउ रिक्वेस्ट दी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर श्री अरुण जेटली टू काइंडली शेयर योर वैल्यूबल थॉट्स विदास आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्रम मंत्री श्री बंदारू दत्तात्रेय जी केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्रीगण अधिकारीगण श्रम उद्योग संगठनों के प्रतिनिधिगण और मित्रों मैं श्रम मंत्रालय का आभारी हूं कि छियालीसवें भारतीय श्रम सम्मेलन के साथ जुड़ने का मुझे अवसर दिया गया है ये इस श्रम सम्मेलन की ताकत है जो भारतीय लोकतंत्र की भी ताकत है कि श्रम संगठनों के प्रतिनिधि उद्योग संगठनों के प्रतिनिधि और सरकार के प्रतिनिधि एक त्रिपक्षीय वार्ता के माध्यम से अलग अलग विचारों के होते हुए भी इस देश को कैसे मजबूत किया जा सकता है इस देश की अर्थव्यवस्था को कैसे ताकत दी जा सकती है इस देश में रोजगार के अवसर कैसे बढ़ाए जा सकते हैं और उन श्रमिकों की चिंता किस प्रकार से की जा सकती है एक समन्वय पर पहुंचते हैं इसमें कोई दो मत नहीं कि जितने संगठन यहां मौजूद हैं अलग अलग विचारों के होते हुए भी देश की देश की अर्थव्यवस्था की और श्रम की सेवा करना अपने दृष्टिकोण से उनका एक उद्देश्य है देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी कैसे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि इस देश में निवेश हो निवेश नहीं होगा तो व्यवसाय नहीं होगा निवेश नहीं होगा तो नए उद्योग नहीं होंगे इसलिए किसी भी आर्थिक गतिविधि का पहला चरण होगा कि देश के अंदर निवेश आना अनिवार्य है और निवेश के जो जो साधन हो सकते हैं उन साधनों से उस निवेश को लाना यह अति अनिवार्य है निवेश होगा आर्थिक गतिविधि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी उसी से केवल रोजगार अपने आप में देश में बढ़ेगा बिना निवेश के इंप्लॉयमेंट जनरेशन इस देश में नहीं होगा और बिना निवेश के श्रम बढ़ाना और श्रम की रक्षा करना भी संभव नहीं होगा केवल आर्थिक गतिविधि बढ़ाना अपने आप में पर्याप्त नहीं होगा उसके माहौल को ऐसा बनाना कि विश्व की प्रतिस्पर्धा में आकर वो खड़ा हो पाए एफिशिएंट हो पाए प्रॉफिटेबल हो पाए जिसकी वजह से और निवेश देश के अंदर हो और रोजगार के साधन खड़े हो और सरकार को राजस्व देने की परिस्थिति में भी हो जब सरकार की जेब में वो राजस्व आता है तो देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना गरीबी उन्मूलन की योजनाएं बनाना ये सरकार उस अपनी आर्थिक ताकत से करती है और जब उससे अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो देश के भीतर से पूरे विश्व भर से तब निवेश और देश के अंदर आता है लेकिन अगर निवेश के जो सूत्र हैं, जो फाउंटेन है हम उसको रोक देते हैं तो ना आर्थिक गतिविधि बढ़ती है ना रोजगार बढ़ता है और जो मौजूदा रोजगार भी होता है वो अपने आप से खतरे में पड़ जाता है इसलिए हम किसी भी संगठन के प्रतिनिधि हों किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हो ऐसी कोई विचार हम दे नहीं पाएंगे जिससे इस आर्थिक गतिविधि को नुकसान पहुंचे या जिसकी वजह से रोजगार के साधन इस देश के अंदर कम हो आज देश की अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार कोशिश कर रही है कि जब पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था धीमे स्तर पर चल रही है और विश्व में बहुत बड़ी चिंताएं हैं इन चिंताओं के दौरान हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था को फिर भी मजबूत करने का प्रयास करें आज गर्व है मैं इस बात पे कि इस धीमे माहौल में जहां पूरा विश्व संघर्ष कर रहा है प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में दुनिया की सबसे तेजी से चलने वाली अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान बन रहा है हमारे साथ जो प्रतिस्पर्धा में अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके सामने कई प्रकार की चुनौतियां हैं और इस अवसर का लाभ उठाकर भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़े और बढ़ी हुई अर्थव्यवस्था में इस देश का कल्याण हो इस देश में रोजगार के अवसरों का कल्याण हो ये पूरा प्रयास हम लोग कर रहे हैं अर्थव्यवस्था बढ़े उस अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का जो मार्ग और रास्ता है चाहे श्रमिक संगठन हो चाहे उद्योग संगठन हो उनमें से कोई ऐसा नहीं हो सकता जिसका उद्देश्य उसके विपरीत का होगा आपने सही कहा कि आर्थिक गतिविधि बढ़े और विकास हो ये इस देश की अर्थव्यवस्था को ही नहीं ये इस देश की श्रम को भी रक्षा करने का सबसे पहला कदम है अ हाई ग्रोथ रेट विल ऑलवेज प्रोटेक्ट द वर्कमैन एंड द लेबर इंटरेस्ट इन दिस कंट्री एंड एफिशियंट इकॉनमी विल ऑलवेज प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्रीज इकॉनमी द इंटरेस्ट ऑफ इंडस्ट्री द इंटरेस्ट ऑफ लेबर स्लगिश इंडस्ट्रीज विल नेवर बी एबल टू क्रिएट जॉब्स ओनली एफिशियंट इंडस्ट्रीज विच विल एबल टू क्रिएट जॉब्स अशनल टैक्सेशन सिस्टम विल बी एबल टू क्रिएट जॉब एंड ओवरलोडेड टैक्सेशन सिस्टम टू क्रिएट जॉब्स एफिशियंट इंडस्ट्रीज विल बी एबल टू पे हायर वेजेस एंड इन रिस्ड गवर्नमेंट विल बी इन अ पोजिशन टू प्रोवाइड हायर वेजेस एंड बेटर सोशल सिक्योरिटी और इसलिए हम सबका यह दायित्व बनता है कि देश की अर्थव्यवस्था को उस दिशा के अंदर लेकर जाए माननीय प्रधानमंत्री जी आपने एक जिम्मेवारी मुझे और कुछ अपने सहयोगियों को दी थी कि श्रम संगठनों के साथ हम लोग बातचीत करें कल बहुत रचनात्मक दौर में हम लोगों की बातचीत हुई है और कई विषय उसमें से उभर कर आए जिसमें से मूल विषय यह निकलता है कि जब देश विकास करता है तो उस विकास का पहला अधिकार और उसका सबसे अधिक लाभ श्रमिकों तक पहुंचे इस विषय में शायद कोई मतभेद किसी के बीच में नहीं था इसलिए जो सरकार की नीति है कि उन श्रमिकों का कल्याण हो जो अभी विषय उठाए गए कि मिनिमम वेज जो जमीन की हकीकत है उसके साथ उसका संबंध होना चाहिए सामाजिक सुरक्षा मजदूर को मिलनी चाहिए और हमारी सरकार की भी नीति है और इसी वजह से पिछले चौदह महीने में जो सामाजिक सुरक्षा देने की योजनाएं आम नागरिक के लिए भी और गरीब नागरिक के लिए भी हमने बनाई हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ी पहल है और इसलिए मौजूदा कानून जो हैं उनका पालन हो सामाजिक सुरक्षा मिले बेहतर वर्किंग कंडीशंस मिले ये सब विषय जो श्रमिक संगठनों ने उठाए हैं सरकार की ओर उसका ध्यान दिलाया है हम उससे अपरिचित नहीं थे और इसलिए आने वाले कल में भी जो मजदूर संगठनों ने का कहना है कि सरकार के साथ ये बातचीत का दौर चलता रहे और इस उद्देश्य की दृष्टि से हम आगे बढ़ते जाए कि देश की अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़े और इस देश के अंदर श्रमिकों का भी उसके दौरान हित हो पाए इस उद्देश्य से हम लोग आगे बढ़ेंगे मैं विश्वास करता हूँ कि ये जो श्रमिक सम्मेलन हो रहा है छियालीसवां इस दिशा के अंदर बहुत रचनात्मक निर्णय लेगा जो पूरे देश के लिए और श्रमिकों के लिए हित के अंदर जाएंगे बहुत-बहुत धन्यवाद धन्यवाद माननीय श्री अरुण जेटली पैर अपनी माटी से जुड़े रहें और सर गर्व से आसमान छू रहे हों माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यही है नया अलौकिक भारत इस नए भारत के निर्माण में श्रम जगत की अद्भुत भूमिका और उसकी असीमित क्षमता के प्रति प्रधानमंत्री जी की पूर्ण आस्था है माननीय आपकी अक्षुण राष्ट्रीय चेतना से जागृत इस देश के श्रमिक और उद्योग मिलकर अब इस देश को बनाएंगे प्रबल सबल और सफल श्रम से श्रद्धा रखने वाले उद्योगों को राष्ट्र की आराधना मानने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आपसे हमारी प्रार्थना है कि कृपया हमें अपने शुभ शब्दों में संबोधित करें नाउ प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस नाउनरेबलिंग मंत्रिपरिषद के मेरे साथी वित्त मंत्री श्रीमान अरुण जेटली जी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के मंत्री श्रीमान बंडारू दत्तात्रेय जी वाइस चेयरमैन श्रीमान बैजनाथ राय जी श्री राजन जी श्री कैप्टन अभिमन्यु जी सचिव श्रीमान शंकर अग्रवाल जी सभी श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि उद्योग जगत के प्रतिनिधि और केंद्र और राज्य के भिन्न भिन्न सरकारों के प्रतिनिधि बंधुगण ये भारत की श्रम संसद है और एक लंबे अरसे से हमारे देश में त्रिपक्षीय वार्ता का सिलसिला चला है एक प्रकार से ये त्रिपक्षीय वार्ता के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं ये अपने आप में एक उज्जवल इतिहास है 75 साल का हमारे पास एक गहरा अनुभव है उद्योग जगत सरकार एवं श्रम संगठन गत 75 वर्ष से लगातार बैठ करके विचार विमर्श करके मन भिन्नताओं के बीच भी मंथन करके अमृत निकालने का प्रयास करते रहे हैं और उसी संजीवनी से देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहे हैं और उसी कड़ी में आज ये श्रम संसद हो रहा है हम सबके लिए प्रेरणा की बात है कि वो समारोह है जहाँ कभी बाबा साहब आम्बेडकर का मार्गदर्शन मिला था ये वो समारोह हैं जिसे कभी भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्रीमान विवेक गिरी जी का मार्गदर्शन मिला था अनेक महानुभावों के पदचिन्हों चिन्हों पर चलते चलते आज हम यहाँ पहुंचे हैं समय का अपना एक प्रभाव होता है आज से सत्तर पचहत्तर साल पहले जिन बिंदुओं को विचार करने की जरूरत होती थी वो आज जरूरत नहीं होगी और आज जिन बिंदुओं को विचार करने की आवश्यकताएं हो सकता है पच्चीस साल के बाद बेबी भी कालबाह्य हो जाए क्योंकि एक जीवंत व्यवस्था का यह लक्षण होता है नित्य नूतन नित्य परिवर्तनशील और अच्छे लक्ष्यों की पूर्ति के लिए एकत्र आके आगे बढ़ना इस बात में कोई दुविधा नहीं है इस बात में कोई मत मतांतर नहीं है कि राष्ट्र के निर्माण में श्रमिक का कितना बड़ा योगदान होता है चाहे वो किसान हो मजदूर हो वो अनऑर्गेनाइज लेबर का हिस्सा हो और हमारे यहां तो सदियों से ही इन सबको एक शब्द से जाना जाता है विश्वकर्मा विश्वकर्मा के रूप में जिसको जाना जाता है माना जाता है और इसलिए अगर श्रमिक रहेगा दुखी तो देश कैसे होगा सुखी मैं नहीं मानता हूं कि इन मूलभूत बातों में हम में से किसी में कोई मतभेद है मैं श्रम को एक महायज्ञ मानता हूं जिसमें कोट्यावधि लोग अपनी आहुति देते हैं सिर्फ श्रम की नहीं कभी कभार तो सपनों की भी आहूति देते हैं और तब जाकर के किसी और के सपने संजोए जा सकते हैं अगर एक श्रमिक अपने सपनों को आहूत न करता तो किसी दूसरे के सपने कभी संजोए नहीं जा सकते इतना बड़ा योगदान समाज के इस तबके का होता और उस सच्चाई को स्वीकार करते हुए हमने आगे किस दिशा में जाना है उस पर हमें आगे बढ़ सोचना होगा जब तक श्रमिक मालिक इनके बीच परिवार भाव पैदा नहीं होता है अपनेपन का भाव पैदा नहीं होता है मालिक अगर यह सोचता है कि वो किसी का पेट भरता है सभी के कभी सोचता है कि मेरे पसीने से ही तुम्हारी दुनिया चलती है तो मैं नहीं चलता हूं कारोबार ठीक चलेगा लेकिन अगर परिवार भाव हो एक श्रमिक का दुख मालिक को रात को बेचैन बना देता हो और फैक्ट्री का हुआ कोई नुकसान श्रमिक को, को रात को सोने न देता हो यह परिवार भाव जब पैदा होता है तब विकास की यात्रा को कोई रोक नहीं सकता और ये जिम्मेवारी हम जब निभाएंगे तब जाकर के मैं तो चाहूंगा कभी ये भी सोचा जा सकता है क्या इन सारे चर्चाओं का कभी वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन होने की भी आवश्यकता होती है ऐसे बड़े उद्योग और ऐसे छोटे उद्योग या मध्यम के उद्योग पचास साल पुराने हैं लेकिन कभी हड़ताल नहीं हुई क्या कारण होगा उसको चलाने वाले लोगों की सोच क्या रही होगी उन्होंने उनके साथ किस प्रकार से नाता जोड़ा है क्या हम आज नए उद्योगकारों को या एस्टाब्लिश उद्योगकारों को उनको यह नमूना दिखा सकते हैं कि हमारे ही सामने हमारे ही देश में इसी धरती में ये पचास उद्योग ऐसे हैं कि जो पचास साल से चल रहे हैं हजारों की तादाद में श्रमिक हैं लेकिन न कभी संघर्ष हुआ है न कभी हड़ताल हुई है न उनकी कोई शिकायत न उनकी कोई शिकायत है ये मंगलम माहौल जिन जिन इकाइयों में है कभी उनको छांट करके निकालना चाहिए और उस मंगलम का कारण क्या है इस मंगल अवस्था को प्राप्त करने के उनके तौर तरीके क्या है अगर इन चीजों को हम श्रमिकों के सामने ले जाएंगे इन चीजों को हम उद्योगकारों के सामने ले जाएंगे तो उनको भली भांति समझा सकते हैं और मंगलम का जहां माहौल होगा वहां यह भी नजर आया होगा कि सिर्फ श्रमिक का असंतोष है ऐसा नहीं वहां यह भी ध्यान में आया होगा कि उस उद्योग का विकास भी उतना ही हुआ होगा और उन श्रमिकों का विकास भी उतना ही हुआ होगा जब तक हम इस भावात्मक अवस्था को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयास नहीं करते हैं और जो सफल गाथाएं हैं उन सफल गाथाओं को हम उजागर नहीं करते हैं मैं नहीं मानता हूं कि हम सिर्फ कानूनों के द्वारा बंधनों को लगाते लगाते समस्याओं का समाधान कर पाएंगे हां कानून के लिए जरूरी है कि जो किसी चीज को मानने को तैयार नहीं होते हैं श्रमिक को इंसान भी मानने को तैयार नहीं होते हैं उनकी सुख सुविधा की बात तो छोड़ दीजिए उसकी मिनिमम आवश्यकताओं की ओर भी देखने के लिए तैयार नहीं होते ऐसे लोगों के कानूनों की उतनी ही जरूरत होती है और इसलिए हम इस व्यवस्था को उस रूप में समझ करके चलाए एक सामाजिक दृष्टि से भी हमारे यहां सोचने की बहुत आवश्यकता है किसी न किसी कारण से हमारे भीतर एक बहुत बड़ी बुराई पनप गई है हमारी सोच का हिस्सा बन गई है हर चीज को देखने के हमारे तरीके की आदत सा बन गया है और वो है हम कभी भी श्रम करने वाले के प्रति आदर के भाव से देखते ही नहीं कोई बढ़िया कपड़े पहन करके हमारे दरवाजे की घंटी बजाए दोपहर दो बजे हम आराम से सोए हो वो कोट पैंट शूट पहन करके आए और घंटी बजाए तो हम नींद खराब हो गई होंगी दरवाजा खोलेंगे जैसा उसको देखें अरे आइए आइए कहाँ से आए कौन है क्या काम था बैठिए बैठिए और कोई ऑटो रिक्शा वाले ने घंटी बजाई पता नहीं चलता है दो पर दो बजे हम सोते हैं इस समय घंटी बजाते हो क्या क्यों भाई ये फर्क क्यों ये जो हमारे सामाजिक जीवन की एक जो सबसे बड़ी कमी आई है सदियों के कारण आई हुई है लेकिन कभी ना कभी डिग्निटी ऑफ लेबर श्रम की प्रतिष्ठा श्रमिक का सम्मान ये समाज के नाते अगर हम स्वभाव नहीं बनाएंगे तो हम हमारे श्रमिकों के प्रति जो कि उसके बिना हमारी जिंदगी नहीं है अगर कोई धोबी बढ़िया सा आयन न करता तो मैं ये कुर्ता पहन के कहां से आता यहाँ पर और इसलिए जिनके भरोसे हमारी जिंदगी है उनके प्रति सम्मान का भाव ये सामाजिक चरित्र कैसे पैदा हो उसके लिए हम किस प्रकार से व्यवस्थाओं को विकसित करें हमारे बच्चों की पाठ्य पुस्तकों में उस प्रकार के सिलेबस कैसे आए ताकि सहज रूप से आने वाली पीढ़ियां हमारे श्रमिक के प्रति सम्मान के भाव से देखने दे लगे आप देखिए माहौल अपने आप बदलना शुरू हो जाए हमारी सरकार को सेवा करने का अवसर मिला है श्रम संगठनों के साथ लगातार बातचीत चल रही है और त्रिपक्षीय बातचीत के आधार पर ही आगे बढ़ रहे हैं कई पुरानी पुरानी गुत्थियाँ हैं सुलझानी हैं और मुझे विश्वास है कि देश के श्रमिकों के आशीर्वाद से इन गुत्थियों को समझाने में हम सफल होंगे और समस्याओं का समाधान करने में हम कोई न कोई रास्ते खोलते चलेंगे और सहमति से कानूनों का भी परिवर्तन करना होगा कानूनों में कोई जोड़ना होगा कुछ निकालना होगा वो भी सहमति से करने का प्रयास करते ही रहना चाहिए और निरंतर प्रक्रिया चलती रही है आगे भी चलती रहने वाली है कोई भी सरकार आए ये कोई आखिरी कार्यक्रम कभी होता नहीं है और इसलिए मैं समझता हूं कि इस प्रक्रिया का अपना महत्व है मेरा विश्वास रहा है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस और इसलिए ये जो कानूनों के ढेर है कानूनों का ऐसा कहीं खो जाए इंसान पता नहीं इतने कानून बनाए रखे हुए और हर एक को अपने फायदे वाला कानून ढूंढ सकता है ऐसी स्थिति आज। हर कोई उद्योग एक ही कानून में से उद्योगकार को अपने मतलब का निकालना है तो वो भी निकाल सकता है श्रमिक संगठन को निकालना है तो वो भी निकाल सकता है और सरकार को निकालना है तो वो भी निकाल सकता है <laughs> क्योंकि टुकड़ों में सब चीजें चलती रही है टुकड़ों में जब तक हम एक एकत्रित भाव से कॉम्पोजिट भाव से हमें जाना कहा उसको लेकर के और इसलिए मैंने एक कमिटी भी बनाई है कि जो इन सारे पुराने कानूनों को जरा देख रही कि इसको सही कैसे किया जाए और सच्चे अर्थ में जिनके लिए बनाए हैं कानून उनका लाभ हो रहा है नहीं हो रहा है वरना कोई और जगह पे ऐसा कानून बन के बैठा हुआ है तो जो इसको आगे नहीं जाने देते अब कहां लड़ेगा कहां जाएगा वो क्या कोर्ट कचहरी में इतने बड़े महंगे वकील रखेगा क्या और इसलिए मेरा यह आग्रह है मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये कानूनों का एक बहुत बड़ा जाल हो गया है उसका सरलीकरण हो गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने हकों को भली भांति समझ पाए हक्कों को प्राप्त कर पाए ऐसी व्यवस्थाओं को हमने विकसित करने की दिशा में हमारा प्रयास है और मुझे विश्वास है कि हम उसको कर पाएंगे मैं कभी कभी उद्योग जगत के मित्रों से भी कहना चाहता हूँ और मैं चाहूंगा कभी हमारे इस फॉरम में एक और पहलू पर भी हम सोच सकते हैं क्या क्योंकि हमने अपने एजेंडे को बड़ा सीमित कर दिया है और जब तक उसका दायरा नहीं बढ़ाएंगे पूरे माहौल में बदलाव नहीं आएगा कितने उद्योगकार हैं जिन्होंने अपने उद्योग चलाते चलाते ऐसा माहौल बनाया ऐसी व्यवस्था बनाई कि खुद का ही काम करने वाला एक मजदूर आगे चलकर के एंटरप्रनर बना कभी ऐसी तो खोज के निकालना चाहिए क्या उद्योगकार का यही काम है क्या कि 18-20 साल की उम्र में जो उसके आया यहां आया वो 60 साल का होने के बाद किसी काम का न रहे तब तक तो उसी के यहां फंसा पड़ा रहे क्या ऐसा माहौल को सिर्फ उसने बताया कि भाई हाँ ठीक है वो मेरे यहां मजदूर के नाते आया था लेकिन मैंने देखा कि भाई उसमें बहुत बड़ी क्षमता है टैलेंट है थोड़ा मैं उसको सहारा दे दू वो अपने आप में एक एंट्रप्रीनर बन सकता है और मैं ही एकाध पूर्जा बनाएगा तो मैं खुद खरीद लूंगा जो मेरी फैक्ट्री के लिए जरूरी है तो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर तैयार हो जाएगा कभी ना कभी हमने सोचना चाहिए हमारे देश में छोटे और मध्यम या बड़े उद्योगकार कितने हैं कि जो हर वर्ष अपने ही यहां काम करने वाले कितने मजदूरों को उद्योगकार बनाया हो एंटरप्रेन्योर बनाया हो सप्लायर बनाया हो कितनों को बनाया कभी ये भी तो हिसाब लगाया जाए उसी प्रकार से हमने देखा है कि आईटी फॉर्म उसके विकास का मूल कारण क्या है आईटी फर्म के विकास का मूल कारण यह है कि उन्होंने अपने एम्प्लॉय को यह कहा कि कुछ समय तुम्हारा अपना समय है तुम खुद सॉफ्टवेयर विकसित करो तुम अपने दिमाग का उपयोग करो और ये मोटिवेशन के कारण सॉफ्टवेयर की दुनिया में नई नई चीजें वो लेकर के आए फिर वो कंपनी की बनी और बाद में जाकर के वो बिकी अवसर दिया गया हमारे इतने सारे उद्योग चल रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं केमिकल एक्टिविटी का काम करते हैं क्या हमने हमारे यहां इस टैलेंट को इनोवेशन के लिए अवसर दिया है क्या क्या उद्योगकारों का पता है क्या कि जिसको आप अनपढ़ मानते हो जिसको आप अनस्किल्ड लेबर मानते हो उसके अंदर भी वो ईश्वर ने ताकत दी है को आपकी फैक्ट्री में एक आज चीज ऐसी बदल देता है कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी बढ़ जाती है बाजार में बहुत बड़ा मार्केट खड़ा हो जाता है आप फायदा तो ले लेते हो लेकिन उसके इनोवेशन स्किल को रिकग्नाइज नहीं करते हो मैं मानता हूं हमारे उद्योगकारों ने अपने जीवन में और सरकारों ने भी और श्रम संगठनों ने भी पूछना चाहिए कि कितने उद्योगकार हैं कितने उद्योग हैं कि जहां पर इनोवेशन को बल दिया गया है हर वर्ष से कम से कम एक नया इनोवेटिव काम निकलता है क्या हमारे यहां सेना के विशेष दिवस मनाए जाते हैं आर्मी का एयरफोर्स का नेवी का राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री सब जाते हैं एट होम करते हो तो मैं पिछली बार जब हमारे सेना के लोगों के पास गया तो मैंने उनको कहा भाई ठीक है ये आपका चल रहा है कि यही चलाते रहोगे क्या हम आते हैं तीस चालीस मिनट वहां रुकते हैं चाय पान होते हैं फिर चले जाते हैं तो मैंने कहा मेरा एक सुझाव है अगर आप कर सकते हो तो बोले तो क्या है साहब मैंने कहा क्या फौज में ऐसे छोटे छोटे लोग हैं क्या सिपाही होंगे छोटे लोग होंगे लेकिन उन्होंने काम करते करते कोई ना कोई इनोवेशन किया है जो देश की सुरक्षा के लिए बहुत काम आता है उसने नया आइडिया क्योंकि वो फील्ड में है उसको पता रहता है कि इसके बजाय ऐसा करें तो अच्छा होगा मैंने ये कहा तो फिर हमारे आर्मी के लोगों ने ढूंढना शुरू किया बहुत ही कम समय मिला था लेकिन कोई बारह पंद्रह लोगों को ले आए वो और जब उनके इनोवेशंस मैंने देखा मैं हैरान था सेना के काम आने वाली टेक्नोलॉजी के संदर्भ में कपड़ों के संबंध में इतने बारी छोटी छोटी चीजों में उन्होंने बदलाव ला करके बताया था अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो सेना के कितना बड़ा काम आएगा राष्ट्र की रक्षा के लिए कितना बड़ा काम आएगा लेकिन उस आखिर इंसान की तरफ देखता कौन है जी उसकी क्षमता को कौन स्वीकार करता है मुझे यह माहौल बदलना है कि मेरे उद्योगकार मित्र बहुत बड़ी डिग्री लेकर के आया हुआ ही व्यक्ति दुनिया को कुछ देता है ऐसा नहीं है छोटा सा छोटा व्यक्ति दुनिया को बहुत कुछ देकर नजरों की तरफ नहीं होता है और इसलिए हमें कल्चर विकसित कर सकते हैं व्यवस्था विकसित कर सकते हैं कि जिसमें उन, उन, और मैं तो चाहता हूं श्रमिक संगठन भी ऐसे लोगों को सम्मानित करें उद्योग भी सम्मानित करें और सरकार भी श्रम संसद के समय इस प्रकार के सामान्य मजदूर ने किए हुए इनोवेशन जिसने देश का भला किया हो उसका सम्मान करने का कार्यक्रम करके हम श्रम की प्रतिष्ठा कैसे बढ़ाए उस दिशा में हमने आगे बढ़ना चाहिए हमने एक नए तरीके से चीजों को कैसे सोचना चाहिए नई चीजों चीज़, चीज़, को कैसे बदलाव लाना चाहिए उस पर सोचने की आवश्यकता है हमें हमारी कोशिश होनी चाहिए कि मजदूर हमेशा मजदूर क्यों रहे उसी प्रकार से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पिताजी एक कारखाने में काम करते हैं बेटा भी साथ जाना शुरू कर दिया और वहीं काम करते 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 एक आध चीज सीख लेता है और अपनी गाड़ी चला लेता है उसके पास ऑफिशियल कोई डिग्री नहीं होती है कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है और उसके लिए वो हमेशा उस उद्योगकार की कृपा पर जीने के लिए मजबूर हो जाता है इससे बड़ा शोषण क्या हो सकता है कि उसको जो जो जिसके यहां उसके पिताजी काम करते थे अब उसको वहीं पर काम करना पड़ रहा है क्यों क्योंकि उसके पास स्किल है लेकिन स्किल को दुनिया के अंदर ले जाने के लिए एक जो सर्टिफिकेट चाहिए वो नहीं है तो कोई घुसने नहीं देता और वो भी कहीं जाने की हिम्मत नहीं करता है उसको लगता है चलिए ये मेरे माँ बाप हैं उन्होंने मेरे बाप को संभाला था मुझे भी संभाल लिया चलिए भाई जो दे मैं काम कर लूंगा इससे बड़ी अपमानजनक कोई स्थिति नहीं हो सकती भाई और इसको बदलने का मेरे भीतर एक दर्द पड़ा था और उसी में से हमने एक योजना बनाई है और मैं मानता हूं ये योजना श्रमिक के जीवन को और मैं नहीं मानता हूं किसी श्रमिक संगठनों का कभी इस पर ध्यान गया होगा कभी उसने सोचा नहीं होगा कि कोई सरकार संवेदनशील कर सरकार श्रमिकों के लिए सोचती है तो कैसे सोचती है हमने कहा कि जो परंपरागत इस प्रकार की शिक्षा पाए बिना भी चीजों को करता है भले उसकी उम्र तीस हो, हो, हो गई हो चालीस हो पचास हो गई होगी सरकार ने उसको सर्टिफाई करना चाहिए ऑफिशियल रिकग्नाइजेशन देना चाहिए ऑफिशियल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट देना चाहिए ताकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा उसका मार्केट वैल्यू बढ़ेगा और वो एक उद्योग कार के यहां कभी अपाहिज बनकर के जिंदगी नहीं गुजारेगा हमने ऑफिशियली कहने का तात्पर्य है कि हमने इन दिशाओं में सोचने की आवश्यकता है हम बदलाव करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं उसी प्रकार से एक बात की ओर ध्यान देने की मैं आवश्यकता समझता हूं इसको कोई गलत अर्थ ना निकाले कोई बुरा ना माने कभी कभार जब चर्चा होती है कि उद्योग की भलाई ये बात ठीक है कि देश की भलाई के लिए उद्योगों का विकास आवश्यक है उद्योग की भलाई और उद्योगपति की भलाई इसमें बहुत ही बारीक रेखा होती है देश की भलाई और सरकार की भलाई बहुत बारीक बारीक रेखा होती है श्रम संगठन की भलाई और श्रमिक की भलाई बहुत बारीक रेखा होती है और इसलिए इस बारीक रेखा की नजाकतों तो को कभी कभार उद्योग बचाना चाहते हैं लेकिन सचमुच में कभी कभार हम उद्योगपति को बचा लेते हैं कभी कभार हम बात तो कर लेते हैं देश को बचाने की लेकिन कोशिश सरकारों बचाने की करते हैं और उसी प्रकार से कभी कभार हम बात श्रमिक की करते हैं लेकिन हम कोशिश हमारे श्रम संगठन की सुरक्षा की करते हैं हम तीनों पार्टनर यहां बैठे हैं हम तीनों पार्टनर यहां बैठे हैं और तीनों ने इस बारीक रेखा की मर्यादाओं को स्वीकार करना होगा लेटर एंड स्पिरिट में स्वीकार करना होगा तब मैं मानता हूं समित का भी भला होगा देश के उद्योग के विकास की यात्रा भी चलेगी और देश का भी भला होगा सरकारों की भलाई के लिए नहीं चलता है और इसलिए इन मूलभूत बातों की ओर हम कैसे मिल बैठ करके एक सकारात्मक बन माहौल बनाने के भी दस कदम हो सकते हैं श्रमिक की भलाई के दस कदम हो सकते हैं आवश्यक है तो राष्ट्र को आगे बढ़ाने के भी दस कदम हो सकते हैं वो भी उसके साथ साथ आना चाहिए जब तक हम इन बातों को संतुलित रूप से आगे नहीं ले जाएंगे तब तक हम माहौल बदलने में सफल नहीं होंगे और मुझे विश्वास है कि आज की श्रम संसद में बैठ करके हम लोग उस माहौल को निर्माण करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे भारत में पैंसठ प्रतिशत जनसंख्या 35 साल से कम आयु की है हमारा देश एक प्रकार से विश्व का सबसे नौजवान देश है आज दुनिया को स्किल वर्कफोर्स की आवश्यकता है स्किल डेवलपमेंट और स्किल इंडिया ये मिशन हमारे नौजवानों को रोजगार कैसे मिले अगर हम जो आज रोजगारी में है या जो हमारे संगठन के सदस्य है उनकी चिंता कर करके बैठेंगे तो हो सकता है कि उनके हितों का भी भला हो जाएगा उनकी रक्षा भी हो जाएगी दो चार चीजें हम उनको दिलवा भी देंगे लेकिन यहां बैठा हुआ कोई व्यक्ति ऐसी सीमित सोच वाला नहीं है ये मेरा विश्वास है यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति जो आज श्रमिक है उनकी तो चिंता करता ही करता है लेकिन जो नौजवान बेरोजगार है जिनको कहीं न कहीं काम मिल जाए इसकी उसको तलाश है हमें उनके दरवाजे बंद करने का कोई हक नहीं है जब तक हम हमारे देश के और नौजवानों को रोजगार देने के लिए अवसर उपलब्ध नहीं कराएंगे तो हम जाने अनजाने में गरीब का कहीं नुकसान तो नहीं करते हैं। हो सकता है वो आज गरीब है श्रमिक नहीं बन पाया है वो दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और इसे इसलिए सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया है अप्रेंटिसिप को प्रोत्साहन देना हमें जानकर के हैरानी होगी हम सबको लगता है हमारा देश आगे बढ़ना चाहिए और कभी पीछे रहता है तो हम ही लोग कहते हैं देखो बातें बड़ी करते थे वो तो यहां पहुंच गए तो यहां रह गए ये हम करते ही हैं लेकिन जो पहुंचे हैं आज चीन के अंदर जो कि साम्यवादी विचार से चलने वाले मूलभूत तो लोग हैं चीन के अंदर दो करोड़ अप्रेंटिसशिप पर लोग काम कर रहे हैं चीन के अंदर जापान में एक करोड़ लोग अप्रेंटिसशिप में काम कर रहे हैं जर्मनी बहुत छोटा देश है हमारे देश के किसी राज्य से भी छोटा देश है वहां पर तीस लाख लोग अप्रेंटिस के रूप में काम कर रहे हैं लेकिन मुझे आज दुख के साथ कहना चाहिए सवा सौ करोड़ का हिंदुस्तान सिर्फ तीन लाख लोग अप्रेंटिसशिप पर काम कर रहे हैं मेरे नौजवानों का क्या होगा मैं पूछना चाहता हूं मैं सभी श्रमिक संगठनों से पूछना चाहता हूं क्या इन नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए इन नौजवानों के लिए अवसर खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए और भारत को आगे बढ़ाना है तो हमारे स्किल को काम में लाने के लिए यह हमें अवसर देना पड़ेगा सरकारों ने उद्योगकारों ने भी सोचना होगा इसलिए कि कानून के दायरे में फंस जाएंगे इसलिए कोई अप्रेंटिसिप किसी को देनी नहीं किसी नौजवान को अवसर नहीं देना यह उद्योग कार्य जो दरवाजे बंद करके बैठे हैं मैं नहीं मानता हूं यह लंबे अरसे तक दरवाजे बंद करके के बैठ पाएंगे देश का नौजवान लंबे अरसे तक इंतजार नहीं करेगा और इसलिए मैं उद्योगकारों को विशेष रूप से आग्रह करता हूं कि आपका दायित्व बनता है मुनाफा कम होगा होगा लेकिन अगर इतनी मात्रा में आपके यहां श्रमिक हैं, तो इतनी मात्रा में अप्रेंटिसिप ये आपके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा बनना चाहिए और इस प्रकार से क्या हम सपना नहीं दे सकते दो करोड़ कर ना पाए ठीक है जब कर पाएंगे कर पाएंगे अभी कम से कम तीन लाख में से बीस लाख अप्रेंटिसिप पर जा सकते हैं हम क्या कम से कम इतना तो करें करोड़ों नौजवानों को रोजगार चाहिए कहीं से तो शुरू करें और इसलिए मैं चाहूंगा कि जो श्रमिक आज हैं उनकी चिंता करने वाले लोगों का यह भी दायित्व तो है कि जिनकी श्रमिक बनने की संभावना है उनकी जिंदगी की भी चिंता उस नौजवान की भी करने की आवश्यकता है जो गरीबी है पिछले 16 अक्टूबर को हमने श्रम जैत के अभियान की शुरुआत की थी यह सब सर्वांगीण प्रयास है हमारा जिन सुधारों की शुरुआत हमने की उनकी प्रगति आप सबके नजर में है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएन इसके माध्यम से प्रोविडेंट फंड के अकाउंट पोर्टेबल हो गए हैं बल्कि लगभग चार करोड़ सड़सठ लाख मजदूरों को डिजिटल नेटवर्क के प्लेटफॉर्म का ऑलरेडी लाभ मिलना शुरू हो गया है पीएफ की पी ऑनलाइन लाभ ले सक रहा है यह चीजें नहीं थी इन चीजों का वो लाभ ले रहा है यही तो श्रमिक को एम्पावर करने के लिए टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करने का प्रयास किया जब हम सरकार में आए हमारे देश में कई लोग ऐसे थे कि जिनको पचास रुपये पेंशन मिलता था अस्सी रुपया पेंशन मिलता था सौ रुपया पेंशन मिलता था कुछ लोग तो पेंशन लेने ले के लिए जाते नहीं थे क्योंकि पेंशन से ऑटो रिक्शा का खर्चा ज्यादा होता था इस देश में करीब करीब 20 लाख से अधिक ऐसे श्रमिक थे जिनको 50 रुपया 100 रुपया 200 रुपया पेंशन मिलता था हमने आकर के बहुत बड़ा आर्थिक बोझ लगा है सबके लिए मिनिमम पेंशन एक हजार रुपया कर दिया मैं आशा करता हूं कि हमारे श्रमिक संगठन ये हमारा जो प्रोएक्टिव इनिशिएटिव है उसके प्रति भी उस भाव से देखें ताकि हम सबको मिलकर के दौड़ने का आनंद आ जाए चार नई चीजें करने का उमंग आ जाए क्योंकि हमें चलना वही है और मुझे मैं मानता हूं अगर इस देश में इतने सारे प्रधानमंत्री हो गए होंगे लेकिन श्रमिकों का किसी एक प्रधानमंत्री पर सबसे ज्यादा हक हाँ है तो मुझ पर है क्योंकि मैं उसी बिरादर से निकल के आया हूं मैंने गरीबी देखी है और इसलिए गरीब के हार को समझने के लिए मुझे कैमरामैन को लेकर के जाने की जरूरत नहीं पड़ती है मैं उसको भली भांति समझ पाता हूं और इसलिए जो बातें मैं बता रहा हूं भीतर एक आग है कुछ करना है गांव गरीब किसान मजदूर वंचित दलित पीड़ित शोषित उनके लिए कुछ करना है लेकिन एक के करने की सोच अलग होगी रास्ते अलग होंगे हमारी एक अलग सोच है अलग रास्ते हैं लेकिन लक्ष्य यही है कि मेरे देश के मजदूर का भला हो मेरे देश के गरीब का भला हो मेरे देश के किसानों का भला हो ये सपने लेकर के हम चल पड़े हैं और इसलिए जैसे मैंने कहा हमने अप्रेंटिस एक्ट सुधार किया हमने ऑन द जॉब ट्रेनिंग के मौके बढ़ गए हैं उस दिशा में हमने काम किया है आज हमने हेल्थ को सेक्टर को ई के 2.0 स्कीम को लॉन्च किया है हम कभी कभार ये तो देखते हैं कि भाई क्या मिलना चाहिए लेकिन कैसे मिले मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है उसके लिए न सरकारों को फुर्सत है न श्रमिक संगठनों को उनको तो लगता है देखो यार कागज पे दिखा दे ये तुमको दिलवा दिया कि नहीं दिलवा दिया वो श्रमिक भी बड़ा खुश है यार मैं 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 इसका मेंबर बन गया गया हूं हूं मेरा काम हो इस स्थिति को बदलना चाहता श्रमिक संगठन और सरकार की पार्टनरशिप से आगे बढ़ना चाहता हूं कंधे से कंधा मिलाकर के आगे चढ़ना चाहता हूं और अगर हमने ये अस्पतालों की व्यवस्था को बदलने की दिशा में काम किया अब छोटा निर्णय है कि भाई हर दिन चद्दर बदलो अब मुझे बताइए हेल्थ की दृष्टि से हाइजीन की दृष्टि से ये सब जानते हैं कि बदल बदलनी चाहिए और लोग मानते होंगे बदल लेकिन हमको मालूम है कि नहीं बदलते ठीक है आया है पेशेंट तो आया आखिरकार मुझे रास्ता खोजना पड़ा मैंने कहा हर दिन की चादर का कलर ही अलग होगा पेशेंट को पता चलेगा चादर बदली कि नहीं बदली हमारे देश के बड़े बड़े जो विद्वान लोग हैं वो मुझे संभाल करते रहते हैं मोदी कुछ बड़ा ले आओ, बड़ा <laughs> बहुत सरकारें बड़ा बड़ा ले आई मुझे तो मेरे गरीब के लिए जीना है गरीब के लिए किस काम करना है इसलिए मेरा दिमाग इसी में चलता रहता है यही यही मैं सोच और मैं, 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 मैं दिल से बातें कर रहा हूं कि ये हमने जो कई चीजों ला, लाए हैं हम चाहते हैं कि श्रमिक के हेल्थ को लेकर के चिंता होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए और हमने उस दिशा में हमने एक तो उसके सारे हेल्थ रिकॉर्ड ऑनलाइन कर दिए हैं ताकि अब उसको अपना ब्लड टेस्ट का क्या हुआ यूरिन टेस्ट का क्या हुआ दुनिया भर में चक्कर नहीं काटना पड़ेगा अपने मोबाइल फोन पर सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाए ये व्यवस्था की है ताकि श्रमिक को सुविधा कैसे हो हम उस दिशा में काम कर रहे हैं और मैं मानता हूं उस काम के कारण उसको लाभ होगा आज हमारे देश में असंगठित मजदूर कुल मजदूरों का 93 परसेंट है इस सरकार ने असंगठित मजदूरों के संबंध में बहुत ही कंस्ट्रक्टिव वे में और वेल प्लान वे में योजनाएं बनाई हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं सबसे बड़ी बात है असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा कैसे मिले न उसे स्वास्थ्य सुरक्षा है न जीवन बीमा है और न ही पेंशन और बड़ी संख्या में असंगठित ग्रामीण मजदूर अनपढ़ हैं, जिन्हें अपनी बात कहां कहना कैसे पहुंचाना इसकी जानकारी तक नहीं है ऐसे मजदूर के लिए सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाने में सरकार का उत्तरदायित्व तो मानता हूं देश के गरीब असंगठित वर्गों को ध्यान में रखकर के हमने तीन महत्वपूर्ण योजनाएं और ये योजनाएं गरीब के लिए है अमीर का उससे कोई लेना देना नहीं है और मैं मानता हूं सभी श्रमिक संगठनों से मैं आग्रह करूंगा कि आप भी इस बात में मदद कीजिए अगर किसी के घर में हम कई यहां संगठन है जो असंगठित मजदूरों का काम करते हैं कुछ लोग हैं जो घरों में बर्तन साफ़ करने वाले लड़के लोग होते हैं उनका संगठन चलाते हैं क्या हम कोशिश नहीं करें कि तो उसके मालिकों को मिल के कहें कि भाई आपके यहाँ ये लड़का कपड़े धोता है बर्तन साफ करता है या खाना पकाता है या गाड़ी चलाता है या आपका धोबी है इसके लिए ये ये सरकार की स्कीम है आप एक मालिक हो इसके लिए इतना पैसा बैंक में डालो उसका जीवन भला हो जाएगा मैं मानता हूँ हर कोई इसको करेगा हम मध्यम वर्ग के लोगों को भी अगर समझाएंगे कि भाई तुम्हारे साथ काम करने वाले जो गरीब लोग हैं उनको इन स्कीम का फायदा तुम दो तुम्हें कोई महंगा नहीं पड़ने वाला है तुम्हारे लिए तो एक फाइव स्टार होटल का एक खाने से ज्यादा खर्चा नहीं है लेकिन उस गरीब की तो जिंदगी बदल जाएगी और इसलिए हमने अटल पेंशन योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और मैं बताऊं यानी एक महीने का एक रुपया बारह महीने का बारह रुपया एक स्कीम ऐसी एक दिन का सिर्फ अस्सी नब्बे पैसा साल भर का तीन सौ तीस रुपया लेकिन उसको जीवन भर उसकी व्यवस्था मिल सकती है ये काम उसके मालिक जिसके यहां वो काम करता है वो कर सकते हैं और श्रमिक संगठन एक सामाजिक काम के तौर पर इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं सरकार से कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे मुझे लगता है कि इसका उसको फायदा होगा और हमने ये फायदा दिलवाना चाहिए व्यवस्थाएं हैं, योजनाएं हैं। अटल पेंशन योजना अगर आज से उसको जोड़ दिया जाए समझा दिया जाए उसका तो जीवन धन्य हो जाएगा भाई चलो साठ साल के बाद मुझे ये लाभ मिलेगा मैं समझता हूं कि हम एक सामाजिक चेतना जगाने का भी काम करें सामाजिक बदलाव का भी काम करें और उस काम को आगे बढ़ाएंगे तो मैं समझता हूं बहुत सारी बातें हम कर पाएंगे कई विषय है जिसको मैं आपके सामने रखता ही चला जाता हूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि श्रम संसद के अंदर जो कुछ भी महत्वपूर्ण चर्चाएं हो रही हैं हमारे वित्त मंत्री और उनकी एक कमेटी बनी है जो उनको सुन रही हैं और बातचीत से ही अच्छे नतीजे निकलते हैं सुखद परिणाम निकलेंगे कल भी मेरी श्रम संगठनों के प्रमुख लोगों के साथ मुझे मिलने का अवसर मिला था उनको सुनने का अवसर मिला था और मैं भली भांति उनकी बात को उनकी भावनाओं को समझता हूं मिल बैठ करके हमें आगे बढ़ना है और हम देश को आगे बढ़ाने में कैसे काम आए देश को आर्थिक नई ऊंचाइयों पर कैसे ले जाए देश में नौजवानों को अधिकतम रोजगार के अवसर कैसे उपलब्ध कराएं आज भारत के सामने मौका है विश्व के परिदृश्य में भारत के सामने मौका है उस मौका अगर हमने खो दिया तो फिर पता नहीं हमारे हाथ में कब मौका आएगा और उस काम को लेकर आगे बढ़े इसी एक अपेक्षा के साथ मेरी को पूर्वक बहुत बहुत शुभकामना है उत्तम परिणाम निकलेंगे इस भरोसे के साथ और साथ मिलकर के आगे चलेंगे इस विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद कोटी शहर धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी आपकी छत्र छाया में विकास की कहानी लिखता यह देश गौरव से इचलाता है मे आई नाउ इन्वाइट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट श्री शंकर अग्रवाल टू काइंडली प्रपोज वोट ऑफ थैंक्स कृपया आभार प्रकट करें माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय वित्त मंत्री जी माननीय श्रम मंत्री जी अन्य केंद्रीय मंत्री जी राज्यों सहाय मंत्रीगण मंच पर आसीन ऑल द डिग्नेटरीज श्रम जगत के उद्योग जगत के नियोक्ता जगत के व विभिन्न राज्यों और केंद्र सरकार के अधिकारी कर्मचारी और प्रतिनिधिगण इट इज़ माई प्राउड प्रिवलेज टू प्रपोज अ वोट ऑफ थैंक्स ऑन द ओकेजन ऑफ इनोवरल ऑफ फोर्टी सिक्स सेशन ऑफ इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर That he could spare his valuable time for the inaugural session of ILC. Indian Labour Conference is the most important forum for creative exchanges of ideas on the issues related to labor. The presence of Honorable Prime Minister of India amongst us at the inaugural showed our government's solidarity with the cause of labor. The issues highlighted by the Honorable Prime Minister, like skill training, empowering. अनऑर्गेनाइज सेक्टर मिटिकेटिंग प्रॉब्लम्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स एंड फीमेल वर्कर्स सेक्टर नीड आर कंसिस्टेंट एफर्ट एंड फुल इन्वॉल्वमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हमें एक ऐसा अवसर मिला है जब हम दृढ़ शक्ति के साथ कुछ मजबूत कदम उठा सकें और एक ऐसा वातावरण का सृजन करें जिसे हर स्तर पर और हर क्षेत्र में चाहे वो शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो उसमें रोजगार उत्पन्न हो सके जिससे सभी का विकास संभव हो सके मुझे प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज दो नए क्षेत्रों में को शुभारंभ किया गया है श्रम और रोजगार मंत्रालय के लिए कामकारों के लिए रोजगारों के अवसर उपलब्ध कराना उनकी दक्षता निर्माण और उनकी सामाजिक सुरक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और मैं आपको आश्वासन देना चाहूँगा सर कि हम इन सभी पहलुओं पर काम करेंगे ताकि इसे आम जनता की सेवा हो सके और देश में एक स्वस्थ और उत्पादक कामकाजी वातावरण तैयार हो सके जो हर माले में हर मामले में मंगलम होगा और हम एक ऐसी सोच के साथ काम करेंगे जो पूर्णतः सामाजिक वैल्यूओं पर आधारित होगी जिसमें श्रमयोगी के प्रति लेटरन स्पिरिट में सम्मान का भाव होगा और डिग्निटी ऑफ लेबर के प्रति भी को हम लोग प्रतिबिंबित करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इज ग्रेटफुल टू ऑल द डिग्नेटरीज ऑन द डायस माय स्पेशल थैंक्स टू ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर श्री अरुण जेटली जी हुज प्रेजेंस इन द इनोग्रल सेशन हैज एडेड ह्यूज वैल्यू टू द दाइट फोरम एंड डिनोट्स द इम्पॉर्टेंस टू द कंसन ऑफ वर्किंग क्लास इन द ओवरऑल इकोनॉमिक पॉलिसी Discourse. I would also like to express my sincere thanks to Shri Bandaru Dattatrej Ji, our Honorable Labour and Employment Minister, who has been the source of inspiration to all of us. I must mention our deep sense of appreciation to Shri Dharmen Pradhan Minister of State for Petroleum and Natural Gas; Shri Piyush Goyal Minister of State for Power; and Shri Jitendra Singh Minister of State in the Prime Minister's Office. फॉर बूस्ट बूस्टिंग द मोरल ऑफ दिस फोरम मैं सरकारी दल कामगार दल और नियोक्ता दल के मनोनीत उपाध्यक्ष सदस्यों का उनके सहयोग के प्रति आभार प्रकट करता हूँ मैं सामाजिक भागीदारों और उनके सतत सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और हम उम्मीद करते हैं कि इसी भावना के साथ हमेशा हम अपना कार्य निरंतर जारी रखेंगे मंत्रालय की ओर से मैं विभिन्न राज्यों के मंत्रियों राज्यों और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों एन प्रारंभ करने वाले भागीदारों सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के अधिकारीगण मीडिया मित्रों और इस अवसर पर आमंत्रित सभी अतिथियों का भी हार्दिक धन्यवाद देता हूँ धन्यवाद धन्यवाद श्री शंकर अग्रवाल धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी भारतीयों के हितों के लिए हर एक नई पहल से भारत माँ गर्वित हो जाती है आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके संबोधन के लिए और नई शुरुआतों के लिए ये सम्मेलन अभी दो दिन चलेगा आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रस्थान करने तक अपने ही The Prime Minister takes leave from Vigyan Bhavan after a very important day indeed for employees and employers in India, as the Prime Minister Shri Narendra Modi launched several initiatives as he inaugurated the 46th session of the Indian Labour Conference. These include the dedication of the National Service Portal and reforms in employees' insurance. Our team here at doordarshan